समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण पहुंचे अयोध्या। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां शहर के सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए नीट परीक्षा में हुए धांधली को लेकर असीम अरुण ने कहा कि पिछली सरकारों में जिस तरह से भर्तियों में गड़बड़ी की, उसको यूपी में योगी जी ने और केंद्र स्तर पर मोदी जी ने सुधार किया है। जो ऐसे गिरोह हैं जो लगातार गड़बड़ी करते थे, इससे सरकार ने निर्णय लिया है कि सख्त कानून बनाएंगे, जिससे इन लोगों को भारी सजा मिल सके। कोई भी परीक्षा हो, चाहे नीट की हो, सिपाही की हो, कोई अन्य, जब भी परीक्षा होती है, योगी यूपी एसटीएफ सीआईडी इंटेलिजेंस एलआईयू भी लगाते हैं, ताकि परीक्षा की सुचिता कमजोरी ना हो। जो भी परीक्षा लीक हुई है उसको हमारी एजेंसियों ने पकड़ा भी है। अयोध्या में आज अयोध्या मंडल के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की मैं समीक्षा कर रहा हूँ। उद्देश्य ये है कि जैसा मोदी जी ने कहा, बिना एक पल गंवाए हुए हमको विकसित भारत की यात्रा में निर्माण में जुट जाना है। वो काम हम लोग शुरू कर चुके हैं, इसमें बहुत गति लाने की ज़रूरत है और हम लोग आज अयोध्या मंडल की इसीलिए समीक्षा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रामलला के दर्शन मैं अभी करूँगा, आशीर्वाद प्राप्त करूँगा, संकल्प और मजबूत करूँगा, जिससे कि जो मोदी जी ने यात्रा शुरू की है उसमें हम आप सब अपना अपना योगदान पूरे ताकत के साथ कर पाएँ, अपनी अयोध्या को विकसित बनाएँ, अपने भारत को विकसित बनाएँ। इसमें नीट को लेकर बड़ा हाहाकार मचा है, करप्शन का बता रहे, भ्रष्टाचार हुआ है, जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन बदले गए। इसको क्योंकि आप ऐसे विभाग से जुड़े रहे हैं और आप राजनीति में आ रहे हैं, तो जो युवा हैं तमाम तरीके से, युवा स्वयं सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं और इसमें क्या आवश्यकताएँ हैं? पिछली सरकारों में जिस प्रकार भर्तियों में गड़बड़ियाँ की गई, इसको उत्तर प्रदेश में योगी जी ने और केंद्र स्तर पर मोदी जी ने सुधारा। जो ऐसे गिरोह हैं जो लगातार गड़बड़ी करते थे, आज वो नए तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि एक सख्त कानून हम बनाएंगे, जिससे कि ऐसे लोगों को हम भारी सजा दे पाएँ। दूसरा, आपने देखा कि कोई भी ऐसा प्रकरण, कोई भी परीक्षा हो, चाहे नीट की हो, चाहे सिपाही की हो, कोई भी हो, जब भी यूपी में परीक्षा होती है तो योगी जी यूपी एसटीएफ को लगाते हैं, सीआईडी को लगाते हैं, इंटेलिजेंस को लगाते हैं, एलआईयू को लगाते हैं कि किसी भी तरीके से परीक्षा की शुचिता कमज़ोर ना हो। तो जो पर्चा जो 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 लीक हो, मैं आ रहा हूँ, हाँ, जो जो भी पर्चा लीक की बात है वो हमेशा हमारी एजेंसियों ने पकड़ा है और उनको बंद किया है। सरकार उस समस्या के आंख में आंख मिला करके देख रही है, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है, कानून बना करके और सख्ती करेगी, जिससे कि जो हमारे युवा हैं और जो सबसे अच्छी पढ़ाई करने वाले, मेहनत करने वाले युवा और युवतियाँ हैं, उनको नौकरी मिले और पूरी शुचितापूर्ण व्यवस्था से मिले। आप ऐसा होता हुआ पूर्व में भी देखा है, जो अभी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई, भविष्य में और शुचिता लाई जाएगी। विधानसभा चुनाव में जैसे आप जैसे अधिकारियों को सरकार ने जोड़ा, कमिश्नर के कमिश्नर से जी, सरकार जी, तो जो वोट है, वोट बैलेंस है, वो भाजपा से नहीं जुड़ा, इसको किस तरह से आप देखते हैं, इसमें क्या कमी रहेगी? जी, जैसे मैंने कहा, हमने समीक्षा की कि कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ पे हमको वोट कम मिला, और ये हर चुनाव में हम लोग समीक्षा करते हैं और इस चुनाव की समीक्षा के आधार पे हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवार में अगर एक वोट भी हमको कम मिला, क्योंकि हम तो पन्ना प्रमुख पे काम करते हैं, 30-30, 60-60 लोगों तक का हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमको पूरी बात मालूम हो जाती है। लेकिन जहाँ कमी हुई, हम दो सूत्र जो मोदी जी ने दिए हैं, विकास और विकास के साथ साथ सबका साथ, इन दोनों चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। बात मोहन भागवत की जाए और या जो इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा जो घमंड था वो 240 में रोक दिया गया, तो क्या आरएसएस भाजपा से अलग होकर काम कर रही है? दोनों में अलगाव देखने को मिला? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है और पूरा विचार परिवार मिल करके काम कर रहा है और हम लोग को इस बात का गौरव है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश ने बनाने का निर्णय लिया। अब कहीं पे वोट कम मिला, कहीं पे ज़्यादा मिला, जहाँ पे ज़्यादा मिला धन्यवाद, जहाँ कम मिला हम समीक्षा कर रहे हैं, अपने आप को और मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं अपने आप अपने साथ में, इस पूरी विनम्रता के साथ में। क्षमा करें, जो आरएसएस के लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करें उन्हें किस तरीके से? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई विषय है ही नहीं, पूरी तरीके से हम लोग साथ हैं और सब मिलकर के अपने काम में जुटे हैं। जैसे मैंने कहा, कभी वोट कम होगा, कभी ज़्यादा होगा।
जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।